जी सर, आज आप जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, ये शांतिपूर्वक धरना है, इस विषय में है, और कब तक ये आपका जो धरना है वो? देखिए, ये एक दिन का सांकेतिक उपवास था यहाँ पर। इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि देश में पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन व्यक्ति को कितनी चाहिए, कहाँ से ये उत्पन्न होती है, कहाँ से ये ऑक्सीजन आती है, इस सब की जानकारी के लिए कोरोना के दौरान जब ऑक्सीजन की कमी रही तो मैंने इसका प्रयास किया ये जानने का कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है, कैसे बनती है। तो मुझे जानकर बहुत ताज्जुब हुआ, पहले तो सरकार ने जवाब ही नहीं दिया। पहले सरकार ने कहा कि हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है, और वो सभी जो मैं चिट्ठी माननीय राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री जी को भेजता था वो दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को भेज दिया जाता था, या भारत सरकार का जो राष्ट्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है उसको भेज दिया, केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड है उसको भेज दिया जाता था। तो वो कहते थे हमारे पास है नहीं, ऐसा दो चार जवाब मुझे मिले। फिर उसके बाद मैंने ये सभी राज्यों में भेजना शुरू किया। अभी तक सभी राज्यों में और केंद्र सरकार को लगभग 150 से अधिक पत्र मैं लिख चुका हूँ। अभी मुझे दो चार महीने पहले जानकारी मिलना शुरू हुआ इस विषय में, और मुझे ये जानकर और ताज्जुब हुआ कि जो जानकारी दी जा रही है वो बहुत ही आश्चर्यचकित है। आश्चर्यचकित इसलिए हैं कि मैंने ये पूछा कि इंसान को कितनी चाहिए, पर्यावरण में कितनी होती है, कितनी आवश्यकता होती है, कहाँ से ये पैदा होती है। तो उन्होंने मुझे ये जानकारी बताई कि ये नाइट्रोजन पर्यावरण में इतनी होनी चाहिए, ये बता दिया। लेकिन उसके जो नीचे लिखा ना वो बहुत आश्चर्यचकित है, उसमें लिखा है दी गई जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है, मतलब इंटरनेट पे जो मालूम है वो जानकारी ली गई है, और यह जानकारी इस प्रभाग के पास उपलब्ध नहीं है। मतलब इंटरनेट से लेने के बाद भी आप उसको जांच सकते थे कि क्या ये सच्चाई है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से बयान आया था, ये बयान ही लिखित में दिया है उन्होंने, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मुझे लिख के दिया है, और ये 21 अक्टूबर 2022 को दिया है, और उसके नीचे और एक जानकारी लिख दी गई, उसमें कहा यह प्रभाग इस जानकारी का पुष्टिकरण भी नहीं करता है। मतलब उन्होंने साफ मना कर दिया कि जो जानकारी हम नेट से दे रहे हैं हमारी कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार ऑक्सीजन के ऊपर कोई काम नहीं कर रही है, उसके पास कोई जानकारी नहीं है, वो सिर्फ इंटरनेट की जो जानकारी है उसके ऊपर भी काम नहीं कर रही है। हमने यहाँ सरकार को 100 दिन का एक समय दिया है, आने वाले 5 जून अगर ये 100 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो पर्यावरण दिवस से पहले हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन उपवास करेंगे, कि जिससे कि आने वाला G20 सम्मेलन जो दिल्ली में होने जा रहा है मेन, उससे पहले ये यंत्र लगाए जाएं। उसमें आवश्यकता इस बात की है कि ये G20 सम्मेलन में बहुत से हमारे देश के जो दूसरे देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष आएंगे उनका एक प्रोटोकॉल होता है, अभी साथी ने बताया बेटे ने, कि वो जांच करते हैं कि यहाँ की सुरक्षा कैसी है, यहाँ का पर्यावरण कैसा है। तो वो सारी जांच हो समय पे, अगर उसमें ये पता लग जाए कि हमारे यहाँ पे पर्यावरण में गैस की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, तो ये देश की बहुत बड़ी बदनामी होगी। ये देश का सवाल है, इसलिए हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसके व्यवस्था की जाए, इसकी जांच की जल्द से जल्द ये की जाए। सरकार से आप क्या क्या मांगे करते हैं पर्यावरण को बढ़ावा देने में, सरकार किन किन चीज़ों का सुधार करे? देखिए, पहले हमारा जो एक ही विषय है आज यहाँ पर, ये विषय है कि ऑक्सीजन के जो यंत्र हैं वो पर्यावरण में लगाए जाएं, ये पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है। 140 करोड़ से अधिक जो देश की आबादी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो इंसानों में बीमारी बढ़ रही हैं, अनेकों प्रकार की जो बीमारी बढ़ती जा रही हैं, इसमें ऑक्सीजन भी एक विषय हो सकता है। आपने सुबह से लेके क्या नाम सैकड़ों आदमियों को ये लकड़ी दी है, इस लकड़ी के बारे में मुझे कुछ बताएं। ये गिलोय है, ये 100 से अधिक बीमारियों में काम आता है, और ये इसको मैं राष्ट्रीय औषधि घोषित करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस लकड़ी को क्या कहते हैं? ये गिलोय है, इसको गिलोय है, ये इसको अमृता भी कहते हैं, अलग अलग नाम है अलग अलग स्थानों पर इसके। ये 100 से अधिक आयुर्वेदिक दवाई है, ये 100 से अधिक बीमारियों में काम आता है। वैसे ज़्यादातर किन किन बीमारियों में ज़्यादा? ये शुगर में काम आता है, ये खून के साफ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो ये जो इसमें शरीर के लिए अनेकों प्रकार का इसमें उपयोग है, और इसको मैं राष्ट्रीय औषधि घोषित करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपने इसको राष्ट्रीय औषधि के लिए कहीं पे मांग रखी है? 50 जगह रखी है सरकार ने, ये मांग भारत सरकार से भी रखी है, हर एक राज्य में जाके रखी है, अनेकों मुख्यमंत्रियों से व्यक्तिगत मिलके रखी है,
कुछ राज्यपालों से मिलके रखी अच्छा, है। ये लकड़ी को उपयोग करने का तरीका बताया था। इस उपयोग को इसको काट के कूट के उबाल के पीना होता है। इसको एक उंगली काट लिया जाए, उसको कूट लिया जाए, गर्म पानी में उबाल के पी लिया जाए। इससे अच्छी औषधि व्यक्ति के लिए शायद ही कोई और हो। अभी इस लकड़ी के बारे में सुना था कोरोना काल में भी ये लकड़ी हाँ ये अस्पतालों में बहुत इसका वितरण किया गया था। अस्पतालों में इसका वितरण कोरोना में किया गया, दिल्ली के आयुर्वेदिक जो मेडिकल है इसमें भी किया गया। हमने इसमें बहुत प्रयास किया। ये मैं कई शायद 15 राज्यों से अधिक में जाके इसको लगा चुका हूँ। जिस प्रकार से हमारे देश में अभी तक कोई राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं है, उसी तरीके से राष्ट्रीय औषधि घोषित नहीं है, राष्ट्रीय वेशभूषा घोषित नहीं है, राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं है, ऐसी अनेकों चीज़ हैं जो घोषित नहीं है, उनके ऊपर भी हम प्रयास कर रहे हैं। खबर हमारी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।